अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बनाने जा रहे हैं चिकन, तो हम किस तरह से बनाएंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे खान्स किचन ब्लॉग में। नए तरीके का चिकन बनाने के लिए हमने 1 किलो चिकन लिया, इसको अच्छी तरह से धोकर कट कर लिए हैं। तो अब चलते हैं गैस के, कढ़ाई को हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म, कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो हम नाप कर तेल डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, ये देखिए। तो अच्छी तरह से ये गर्म हो जाए, तेल गर्म होने लगा तो 1 टुकड़ा हम मक्खन का डाल लें, वो भी गर्म होकर पिघल जाए। मक्खन पिघल गया तो आधा नींबू निचोड़ कर हम डाल लें हैं। तो इसमें कुछ जाएंगे खड़े मसाले, 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 2 लौंगे, 1 स्टार, 2 सूखी मिर्चें, 4 लौंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के और जावित्री के टुकड़े। तो सारी चीज़ों को अब हम डाले दे रहे हैं गर्म तेल। तो खड़े मसाले हमने डाल दिए हैं चटकने। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज 1, उसको हम लाइट कलर तक से भूनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर कश्मीरी मिर्च, इसको भी हम चलाएंगे। आने के बाद में अब हम डालेंगे चिकन। तो चिकन को हमने डाल दिया है, अब ऊपर नीचे करके चलाना है हमको। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमको चिकन फ्राई करना है इसी कश्मीरी मिर्च के साथ में। तक हमारा चिकन पकेगा तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लें। ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया 1 मिक्सी जार। तो मिक्सी जार में हम डालेंगे पहले टमाटर, आप डालेंगे इसमें हम प्याज 2 बड़े साइज के, 2 अदरक के टुकड़े कटे हुए डाल रही हूँ, 4 से 5 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, धनिया के दड़के डाल रही हूँ, 15 से 20 लहसुन के जवे डाल रही हूँ। तो सारी चीज़ों को हम पेस्ट बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया पेस्ट हम पीस के लिए आए हैं। तो चलते हैं फिर से गैस के पास। तो इसमें हम डाले दे रहे हैं सारा पेस्ट जो हम पीस के लिए आए हैं। तो सारे पेस्ट को नीचे ऊपर हम कर दें। पेस्ट डालने के बाद में कम से कम हमने 2 मिनट इसको पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ पिसे हुए मसाले। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी मसल कर। सारी चीज़ों को डालने के बाद में अब हम फिर से चलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे कि सारे मसाले हमारे चिकन में मिल जाए। चिकन चलाने के बाद में अब हम 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, एक बार हम खोलकर चेक कर चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़े तरह से चिकन हमारा ये पक रहा है। तो कम से कम तो अभी 10 मिनट और हम इसको पकाएंगे ढककर। तो 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए, तो चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें हम हल्का सा लगाएंगे पानी और इसको एक बार फिर से हम ऊपर नीचे करके चलाएंगे। बस 2 मिनट के लिए और हमें पकाना है। गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरह से चिकन हमारा पका है। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, फिर डालेंगे हम हरा धनिया कटा हुआ। तो आप लोग की रेसिपी चिकन मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।